सब्सक्राइब करें ASR SSC गुरु चैनल को और हमारी वीडियोस मिस ना करने के लिए दबाएं इस घंटे को। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत आपका स्वागत है आपके सपने चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को, जो मोस्टली आपसे पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। जैसे कि MTS का पेपर चल रहा है तो कई सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जो आपके मोस्टली पूछे गए मेरे वीडियो से, तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट में खोल के देख सकते हो, जो कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का एंड परसेंटेज और कई सारे चैप्टर का वीडियो प्रोवाइड कराया है आपको। तो आज हम लोग इस प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो में कई सारे ऐसे मेथड को अडॉप्ट करेंगे फ्रेंड्स, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा कोई भी एनी एग्जाम जिसका भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स आपका क्या कि 76 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। ठीक है, और देन आपसे पूछा गया क्या कि अगर इसी वस्तु को 75 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ बताएं। ठीक है, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में हम लोगों का ये जो सेशन रहेगा किस बेस्ड रहेगा, तो यानी कि पहले आपको SP1 यानी कि सेलिंग प्राइस पहले दे रहा होगा और देन उसके बाद आपको दोबारा सेलिंग प्राइस देगा और आपसे पूछा जाएगा क्या प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज बताएं। इसमें आपको CP गिवन नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें CP फाइंड करना है। ठीक है, तो CP फाइंड कैसे करना है, तो सबसे पहले देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी परसेंटेज आपको दिया रहेगा, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज मैंने आपको बताया क्या इंक्रीज और डिक्रीज का फंडा होता है। तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है फ्रेंड्स क्या कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है 52% का लाभ होता है। ठीक है, मैंने ले लिया 52% का लाभ होता है। आपको अगर पता होगा कि 52% कैसे निकाला जाता है तो आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो 52% लाभ यानी कि मैंने परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज में बताया था, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ 52% लाभ यानी कि आपका क्या हो गया यहाँ पे 52% का फ्रेंड्स आपका प्रॉफिट हो गया। तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगा 152 को और देन यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 100। ये परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज मैंने बता रखा और मैंने वहाँ पे ये भी बताया था आपको फ्रेंड्स क्या कि जो भी आपका वैल्यू आएगा वो क्या करेगा आपको नीचे वाला वैल्यू टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और टोटल वैल्यू यहाँ पे कौन होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका CP टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये आपका CP हो गया। ठीक है, और देन आपसे SP आपका हो गया SP। ठीक है, क्योंकि आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है। ठीक है, अब देखो आपका SP इतना हो गया लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ क्या कि 76 रुपये में बेचने पे 52% का लाभ होता है, तो यहाँ पे तो SP आपका कितना दिया 76। ऐसा करो आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, जब इसे सिंप्लीफाई करोगे आप तो यहाँ से आपका आ जाएगा फ्रेंड्स 38 और उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा 50। ठीक है, ये आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, देखो एक मिनट सॉरी, यहाँ पे इसको डिवाइड जब करोगे आप तो ये आपका आ जाएगा फ्रेंड्स 7 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 6। ठीक है, और देन उसके बाद आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आप देखो 76 यानी कि अब मैं बोल सकता हूँ 76 मेरा SP है और यहाँ पे मेरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 76 दिया हुआ। ठीक है, तो यानी कि ये कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपका मल्टीप्लाई हो रहा है 1 बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका CP क्या होगा फ्रेंड्स, आपका CP भी हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई यानी कि 50। तो यहाँ पे आपका एज इट इज 50 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था मैंने, यहाँ पे मैंने 38 लिख दिया था स्टार्टिंग में, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। बट यहाँ पे देखो मैं थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी में कर रहा था इसलिए मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना, ये आपका 76 दिया हुआ है उसके बाद आपका 50, तो आपको पता है कि 76 तो मेरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया, तो मेरा CP का हो जाएगा 50। अब देखो आपके पास CP आ गया 50। ठीक है, और आपसे बोला गया कि इसको 75 रुपये में बेचा गया। ठीक है, अब देखो आपके पास जब CP आपके पास है फ्रेंड 50 और दोबारा जो SP बोल रहा है वो आपका बोल रहा है 75 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो इसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि जो 50 रुपये में चीज़ें बिक रहे थे वो आपका 75 रुपये में बिक रहा है, यानी कि इससे 25 प्लस इसको फ़ायदा हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे 25 रुपये प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब। देन आपको CP पे यानी कि ओरिजिनल जो वैल्यू हमारा होता है उस पे आपको परसेंटेज प्रॉफिट निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब 25 का प्रॉफिट हो रहा है आपका, देन 100 पे कितना होगा। ठीक है, तो 100 पे कितना होगा, जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यह आ जाएगा 1/2 और 1/2 होता है फ्रेंड्स 50%। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि 50% का उसका प्रॉफिट होगा। ठीक है, फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इस पैटर्न पे आपका 2016 में क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी प्रॉफिट
परसेंटेज या लॉस यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी देगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको उसको ले लेना है, सारा का सारा फ्रैक्शन से ही सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे 152 था लेकिन आपसे दिया गया था क्वेश्चन में कितना, 76 रुपये में बेचने पर, ठीक है। SP यानी कि 76 था, तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ 1/2 हो रहा था, तो यहाँ पे भी आप 100 का 1/2 कर दो तो 50 आपका CP आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो बोला गया है 75 रुपये में बेचने पर, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इससे कम रहता तो यहाँ पे लॉस होता, ठीक है। तो 50 से 75 हो गया यानी कि प्लस 25 हो गया, प्लस 25 किस पे बढ़ा है, 50 पे। तो 1/2 होता है आपका 50%, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इजीली कि आपका 50% का प्रॉफिट हो गया। तो ये यहाँ से आपका आंसर आ गया, ओके। अब देखिए आपका इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है फ्रेंड, आपका ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2016 SSC CGL में। तो यहाँ पे देखिए आपसे बोला गया है एक टेप रिकॉर्डर रुपये 1040 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। यदि वह इसे 950, ठीक है, यहाँ पे 950 है आपका, यदि वह इसे 950 रुपये में बेचे तो उसे कितना परसेंट का हानि होगा, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। अब देखिए आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलता हूँ मैं, 4% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 4% का मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 4% रिप्रेजेंट करता है किसको, 1/25 प्रॉफिट हो रहा है तो एक जुट जाएगा, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 26/25 हो गया, ठीक है। ये आपका SP हो गया और ये आपका CP हो गया, ठीक है। अब देखो आपसे क्वेश्चन बोला गया क्या 1040 में बेचने पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 26 ना देके आपसे दिया गया क्या क्वेश्चन, 1040 आपका CP क्या दिया, 1040, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप कितने बार में इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर इसे डिवाइड भी कर सकते हो आप डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 26 और 1040 इसमें क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ मैं अगर आपको टेबल याद होगा 30 तक आपने याद किया होगा, अगर आप आई होप SSC CGL या फिर किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो आपने मैक्सिमम 30 तक टेबल याद नहीं रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप इसे अगर 4 से मल्टीप्लाई करा रहे हो तो आपका 104 गिवेन हो रहा है, ठीक है। देखो अगर आपको यकीन नहीं है तो आप डायरेक्ट इसे डिवाइड भी कर सकते हो, तो जब आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करा रहे हो तो ये आपका दे रहा है, तो यानी कि यहाँ पे आप बोल सकता हूँ मैं ये आपका 40 टाइम्स जा रहा है, ठीक है। जब ये आपका 40 टाइम्स जा रहा है, 25 को 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आपका रिजल्ट क्या देगा फ्रेंड्स, 100, और देन यहाँ पे एक जीरो लगाना है, तो मैं बोल सकता हूँ ये मेरा 1000 है, ठीक है। अब देखो 1000 की चीज़ CP आपका हो गया, उस पर 4% का प्रॉफिट, अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन होता है तो यहाँ पे देखो आपका 10% क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे निकाल लो 1000 का 4% और उसके बाद ऐड करो 1040, ये आपका CP आ गया, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन बोला गया कि उसे 950 में बेचा जाता तो, ठीक है। देखो CP आपका आ गया कितना फ्रेंड्स, वही सेम क्वेश्चन आपका मैं इस पर दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपका 2016 में आया हुआ है, CGL 2016 में आया हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो आपका CP यहाँ पे देखो 1000 हो गया, और देन आपसे SP दोबारा से बोला गया कि 950 में बेचे तो उसे कितने परसेंट का हानि होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हो 1000 था आपका और यहाँ पे 950 में बेच रहा है, यानी कि SP जो हो रहा है आपका अगेन बोल रहा है 950, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि माइनस हो रहा है कितने का, 50 का, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लॉस होगा, ठीक है। अगर यहाँ से 1000 से ज़्यादा होता तो प्रॉफिट होता, ठीक है, इतना आपको पता होगा। तो जब यहाँ पे आपका 1000 से 50 लॉस हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ 50 का लॉस हो रहा है मेरा किस पे हो रहा है फ्रेंड्स, 1000 पे। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया और ये हो गया 1/20, और फ्रेंड्स 1/20 आपका रिप्रेजेंट करता है आपका 5% को, तो 5% का यहाँ पे आपका लॉस हो गया, ठीक है। लॉस को मैं ऐसे डिक्रीज लिख देता हूँ या फिर एल लिख देता हूँ, ठीक है, ये लॉस हो गया आपका, ठीक है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है आपका, इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने इस पैटर्न को टाइप क्या दिया कि पहले बेचा गया, ठीक है, यानी कि SP आपका 1 गिवन रहेगा, देन आपका SP 2 भी गिवन रहेगा, और एक बार आपका प्रॉफिट परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस रहेगा, उसके बाद देन आपसे पूछेगा क्या, दोबारा से आप बताओ कि एक्चुअल में जो उसका प्रॉफिट एंड लॉस होगा अंतिम में लास्ट में वो क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब आपका फ्रेंड्स ये टाइप बहुत ही कन्फ्यूजिंग टाइप है, ठीक है। आपका इस किस रिलेटेड टाइप है, मैंने आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो Part 2 वीडियो आपको अपलोड किया हूँ उससे रिलेटेड ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग टाइप है आपका, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था CP = SP, तो वो आपका कन्फ्यूजिंग टाइप को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि दिया हुआ आपको 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, तो हानि परसेंट ज्ञात करना है आपको, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये भी आपका मैं जितना भी क्वेश्चन आपको डिस्कस करता हूँ ये आपका सारा का सारा प्रीवियस ईयर बेस्ड रहता है, और कई सारे मैंने परसेंटेज में क्वेश्चन को डिस्कस किया हूँ, और कई सारे क्वेश्चन आपको IGT MTS के एग्ज़ाम में और कई सारे एग्ज़ाम में आपको पूछा गया है उस तरह से।
तो यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को पहले हम लोग बेसिक से सॉल्व करेंगे, उसके बाद है ना मैं इस पर एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट ट्रिक दूंगा जिसको आपको अप्लाई करना है और मात्र 2 से 3 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को आप सूट आउट कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोगों को क्या माइंड में रखना है कि अगर SP पर लाभ हो, ठीक है, यहाँ पे देखो SP पर लाभ हो रहा है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की, यानी कि SP पर लाभ हो और CP पर लाभ हो, ऐसा पूछे क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना चाहिए, यानी कि लाभ या फिर हानि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो विक्रय मूल्य की हानि और विक्रय मूल्य का लाभ, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी वीडियो प्रोवाइड कराया कि SP पे लाभ कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, तो ये आपको कन्फ्यूज नहीं करेगा। सिर्फ आपको माइंड में ये रखना कि वो वाला मैथड नहीं कि CP = SP जो हम लोग करके प्रॉफिट एंड लॉस जो मैंने पिछला वीडियो बताया था, तो ये थोड़ा सा उससे हटका है फ्रेंड, ये आपका ऐसा पैटर्न आपका 2016 में आ चुका है और मैं लेटेस्ट पैटर्न को लेते हुए आपके क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इसमें बेसिक क्या हम लोग लेते हैं कि एक वस्तु का SP क्या होगा। अगर मैं बोलूं कि 72 वस्तुओं के बेचने पर 9 वस्तुओं के SP के बराबर हानि होता है, ठीक है, तो यानी मैं बोल सकता हूं एक जो मेरा वस्तु होगा फ्रेंड, एक जो मेरा वस्तु होगा उसका 1 रुपया प्राइस होगा, ठीक है। अब बोल रहा 9 वस्तुओं के हानि होगा, यानी कि मैं लॉस बोलूँ अगर, तो लॉस में 9 वस्तुओं के बराबर, यानी एक वस्तु आपका 1 रुपया है, तो 9 वस्तु का रेट कितना हो गया, 9 रुपया हो गया, यानी कि लॉस कितना हो रहा है, 9 रुपया हो गया, ठीक है। अब आपके पास SP दिया हुआ क्या, SP आपके पास गिवन फ्रेंड्स 22, ठीक है, 72, और आपको CP निकालना है। CP का फॉर्मूला क्या होता है, SP + लॉस, ये बेसिक फार्मूला है, आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। उसके बाद मैं आपको मस्त ट्रिक दूंगा फ्रेंड्स, जो आप उसको अप्लाई करोगे मात्र 2 से 3 सेकंड में उसे आंसर को इजीली सिंप्लीफाई करोगे, ओके। देखिए आपको सिर्फ बेसिक को सीखना कैसे बेसिक बनता है, ठीक है। CP = आपका होता है क्या, SP + लॉस, ठीक है, और हमारा SP क्या है फ्रेंड्स, SP हमारा है 72, ठीक है, लॉस कितने का हो रहा है, 9 का हो रहा है, ठीक है, तो आपका CP क्या आ गया, 81, यानी कि 81 में 9 का लॉस हुआ, तो फिर आपका SP 72 बन गया, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस कर रखा होगा ऐसे क्वेश्चन को, तो आप इतना नहीं यूज़ करते, आप मात्र 2 से 3 सेकंड इसमें भी सिंप्लीफाई करने में लगाते, ठीक है। तो मुझे बेसिक से बताना था इसलिए मैंने इतना टाइम लिया इसमें। अब देखिए 81 आपका CP हो गया, 9 रुपये का लॉस हो रहा है, आपसे पूछा गया हानि परसेंट बताओ, तो CP पे तो मुझे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो आप देखो यहाँ पे 81 पे लॉस कितने का हो रहा है, 9 पे हो रहा है, इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1/9, और 1/9 का जब लॉस हो रहा है तो 1/9 आपको कितना का रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स, अब मैंने जो फ्रैक्शन चेंज में करने के लिए बताया था आपको, तो ये आपका 11/1/9% यहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है, ये आपका चेंजिंग होता है। आप इसे अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करो, देन यहाँ पे आप इसे सिंप्लीफाई करो, आप देखोगे ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना, आपको क्या करना है, परसेंटेज टेबल को याद करना, जो मैंने परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट को मैंने बता रखा है अपने इस चैनल पर, तो वहाँ से आप जाके सीख सकते हो कैसे परसेंटेज इंक्रीज होता है, कैसे डिक्रीज होता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कई सारे क्वेश्चन में परसेंटेज इंक्रीज आपसे पूछा जा रहा है प्रॉफिट लॉस में, तो ये आपको बहुत जगह यूज़ होगा, आपका मैक्सिमम यहाँ पे आपका डिस्काउंट में यूज़ होगा, उसके बाद आपका CISI में भी यूज़ होगा कई जगह पे। तो आपको क्या करना है, परसेंटेज को मजबूत करना है सबसे पहले, उसके बाद ही आपका कोई चैप्टर मजबूत हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक देता हूँ आपको, सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करने से पहले मैं आपको कुछ इसका एक्सेप्शन बता देता हूँ, कहाँ पे आपको इसका यूज़ करना है, कहाँ पे आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले देखो जो क्वेश्चन में आपका गिवन रहेगा, कभी भी देखो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया रहेगा फ्रेंड्स, आपको हानि देगा, यानी कि जो आपका हानि जो रहेगा आपको ये गिवन रहेगा, और उससे बाद आपको पूछा जाएगा क्या, हानि ही पूछा जाएगा, ठीक है, यानी कि हानि पूछा जाएगा, यानी कि लॉस आपसे पूछा जाएगा, अगर लॉस दिया हो तो लॉस पूछेगा, ठीक है, और देन अगर प्रॉफिट दिया हो तो प्रॉफिट ही पूछेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। अगर आपका यहाँ पे क्वेश्चन प्रॉफिट के बराबर देता कि 72 वस्तु को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के लाभ होती है, तो हानि सॉरी प्रॉफिट बताएं तो क्या करना चाहिए, यानी कि प्रॉफिट होता तो कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग, और लॉस हमारा गिवन है क्वेश्चन में तो कैसे अप्लाई करेंगे ऐसे क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहले बेसिक से ही आपका ये ट्रिक आया है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्या करो, 72 वस्तुएं जो रहेगा जिसके बराबर हानि होगा, और देन अगर आपसे हानि पूछा जाए तो क्या करो, ये दोनों को ऐड करो जो यहाँ पे मैंने किया था, तो ये आपका CP को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे आपको देखो ये आपका CP हो जाएगा 81, और देन यहाँ पे जो लॉस हो रहा है उसको क्या करो ले लो, ठीक है, यानी कि जो लॉस दे रखा होगा, तो इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1/9 का लॉस हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि आप यहाँ पे आपका 11/1/9% का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका ये भी पूछ सकता है कि प्रॉफिट तो प्रॉफिट में क्या करना है, देखिए लॉस में आप माइनस कर रहे हो, सॉरी लॉस में आपको प्लस करना है, प्रॉफिट में क्या करना, माइनस करना है, क्योंकि एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड्स, अगर मैं मान लेता हूँ मेरा CP अगर मैं मान लेता हूँ मेरा 5 है, और उसमें मेरा दिया हुआ फ्रेंड्स 2 रुपये का, ठीक है, आपका ये प्रॉफिट हुआ,
और आपका एसपी गिवन है 5, ठीक है। अब आपको ये पता है कि एसपी आपका 5 है और आपको सीपी नहीं पता, सीपी फाइंड करना है, ठीक है, और आपको प्रॉफिट पता है 2, तो क्या आप इसमें प्लस करके इसका सीपी निकाल सकते हो? नहीं ना। तो इसमें आप क्या कर रहे हो कि इसको माइनस करोगे तभी तो आपका सीपी निकलेगा ना। तो यहाँ पे बस सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि अगर आपका यहाँ पे आपका प्लस रहता यानी कि आपका प्रॉफिट रहता तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या करते आप, 72 माइनस में करते आप 9, तो आपका आ जाता है कितना 63, और जितने का प्रॉफिट होता यानी कि 9 का प्रॉफिट होता 9 करते हैं, और ये आपका रिपेज 1/7 हो जाता, तो ये आपका यहाँ पे हो जाता 14, सही 2/7% का प्रॉफिट, ठीक है, ये आपका यहाँ पे ऐसे निकल जाता, ठीक है। तो आपको मैंने इसमें क्या बताया, सबसे मेन बात कि आपको सिर्फ यही याद रखना कि अगर यहाँ पे लॉस हो तो हम लोगों को लॉस वाला फंडा लगाना यानी कि प्लस कर देना, ठीक है, आप ऐसे याद कर लो, और अगर प्रॉफिट हो तो उल्टा करना, माइनस करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले मैंने बेसिक बताया था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने लॉजिक के रूप में आपसे डिस्कस किया फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो मैं आप लोगों के लिए कितना एफर्ट कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छा एफर्ट करता रहूँ। तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता सकता हूँ, इसे आप चाहो तो रेशियो से भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। रेशियो से सिंप्लीफाई करने का मेरा क्या मतलब है, इसे आप आपस में कैंसिल आउट करने के बाद भी ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, यानी कि आपका ये हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे देखो 9, यहाँ पे मैंने क्या किया था स्टार्टिंग में आपको माइनस करना था तो यहाँ पे आ जाएगा आपको जो, तो यहाँ पे आप रेशियो से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे बता दिया हूँ आपको। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं, आपका क्या आ सकता है क्वेश्चन, अब क्या आपका पैटर्न बनता है। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन डिस्कस किया उसको पहले हम लोग एक बार और देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले यही माइंड में रखना है कि जो भी आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है फ्रेंड्स, ये आपका मैक्सिमम ज़्यादातर ज़्यादा आपका ये आपका सीजीएल मेंस और टैट 1 में आता है क्वेश्चन, और सीपीओ वगैरह सारे में आपका इस पैटर्न पे पूछ रखा है उन्होंने क्वेश्चन, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न बनता है। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, देन हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। देखिए अब आपसे क्वेश्चन दिया गया क्या, 72 वस्तु को बेचने पर 9 वस्तुएं का क्रय मूल्य पर लाभ होता है। अब हम लोग पहले पढ़ रहे थे हम लोग क्या कि वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि एसपी पे लाभ होता है, अब यहाँ पे देखो आपका क्रय मूल्य पे लाभ होता है, ठीक है, ये आपका बहुत ही अच्छा है, ठीक है, आप कॉन्सेप्ट आप इसे अच्छे से देखो। तो यहाँ पे देखो आपका सी पैटर्न क्या चेंज कर रहा है कि 9 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है, यानी कि 72 वस्तु जो एसपी कर रहा है उसको लाभ होता है, ठीक है। तो मैं इसका बेसिक नहीं बताऊंगा, इसमें सिर्फ आपको मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, इसमें आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले इसे रेशियो में ले लो, ठीक है, इसे रेशियो में ले लो, रेशियो में लिया आपने, ये आप कैंसिल आउट होने के बाद आ गया 1, ये आपका आ जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपका जब कैंसिल आउट होने के बाद आपका रेशियो क्या आ गया फ्रेंड्स, तो आपका रेशियो आ गया 8:1। अब देखो आपको जब भी प्रॉफिट एंड लॉस कभी भी आपको इस तरह का निकालना हो क्वेश्चन, यहाँ पर हम लोग सीपी पे जब हो रहा था एसपी पे हो रहा था, हम लोगों ने क्या किया था, प्लस एंड माइनस किया था, देन आपका सीपी पे बोला गया, ठीक है। तो आपको पता है ओरिजिनल वैल्यू जब भी परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो हमेशा सीपी पे वो रियल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सीपी पे बोला गया था यानी कि जो आपका रियल होगा वही आपका हो जाएगा, यानी कि 1/8 ही आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 8 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, मैं बोलूँगा 1/8 यानी कि आपका कितना हो जाएगा 12.5% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देन मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।